पहली बात तो ये है कि सर्जरी है बहुत फास्ट हो गई है. नंबर टू ब्लड लॉस जिससे मिनिमल हो गया. पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ता, खून डोनेशन नहीं कराते. पेशेंट का एजी और कम हो गया. पेशेंट डिस्चार्ज जो है 10 दिन तक चला जाता है और विदिन अ वीक वो नॉर्मल अपने ऑफिस पे. इसके अलावा ऑपरेशन के बाद कैंसर का जो आउटकम है कंट्रोल वो बेटर हो गया. और अभी जैसे आपने बताया कि 20 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में हमें रोबोटिक सर्जरी लाते हुए, तो काफी कुछ एडवांसेस भी हुए होंगे. तो इस रोबोटिक्स इन मेडिकल फील्ड के क्षेत्र में रोबोट एक मास्टर स्लेव सिस्टम है जिसमें एक तीन पार्ट होते हैं रोबोट में. एक कंसोल होता है जिसमें उसके मूवमेंट्स ट्रांसमिट होते हैं वायर के थ्रू और जो पेशेंट जहाँ लेता होता है उसमें रोबोट के चार आर्म्स लॉक हो जाते हैं. जब हम ऐसे उसको मूव करते हैं अपने फिंगर्स को सर्जन, वो मूवमेंट ट्रांसमिट हो जाते हैं और उससे आर्म मूव करते हैं. एक तरह का मास्टर स्लेव सिस्टम, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा 3D गेम खेलते हैं तो बच्चे ऐसे ऐसे जॉयस्टिक के खिलाते हैं और अंदर मूवमेंट होता है. तो ये मास्टर स्लेव सिस्टम है. पहली बात ये एडवांसमेंट की आपने बात किया. पहले तो रोबोट आते थे उसमें मूवमेंट बड़े पोर होते थे, हम ऐसे ही मूव करते थे. पूरे वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती है. इसका मतलब ये होता है कि वो सर्जरी को ज्यादा बेटर आउटकम देने के लिए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं. वो सर्जन को बताता है कि सर्जरी किस प्लेन में जाना है, वो सर्जन को गाइड करता है. जैसे आप दफ्तर में आते हैं आपको GPS मिल जाता है, वो बताता है आपको यहाँ जाना है. आप अगर सपोज एक गलत जगह जा रहे हैं या कहीं खतरा है तो आपको GPS फील करा देता है कि आपको यहाँ पर ही खतरा हो सकता है, या गाड़ी बैक करती है तो आपको बता देता है. सेम चीजें हमारे रोबोट में